Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360 with Ahmed Hamad. और आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैप्टन एंड अ विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ। राशिद लतीफ, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अहमद भाई, कैसे हैं? आपका शुक्रिया आपने मधु किया हमें यहाँ पे। आप भी तो क्रिकेट खेलते थे पिंडी में, आपके भाई भी है ना, मुझे मालूम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, जमाल सिद्दीकी फास्ट बॉलिंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वापिस ही नहीं आए। और ये पिंडी के जो बैट्समैन थे सारे ना टर्निंग ट्रैक पे खेलने वाले थे। क्या देखते हैं राशिद भाई, पूरी कॉम इंतजार में बैठी है। कल हम एक जीता हुआ मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, 3 टेस्ट मैच सीरीज, ओपनिंग फर्स्ट टेस्ट मैच, और बड़ी अच्छी पोजीशन में पहली इनिंग्स में 107 रन की लीड लेने के बाद मैच हार जाना, क्या हमारी बैटिंग लाइनअप पे सवालिया निशान है, कप्तानी पे है, कोचिंग पे है, सिस्टम पे है, आपकी एक माहराना राय। बहुत सारे जगह बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन जो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट रही है या अभी तक है उसके लिहाज से जो क्रिकेट का स्टाइल, वे ऑफ प्लेइंग है हमारा, वो चेंज हो चुका है। और इसी में हम लोग बहुत सारे मैचेस जीते, लेकिन वेन्यू हमारा यूएई रहा है वहाँ पे ना, कि यासिर शाह को लगा दो एक एंड से फास्ट बॉलर, एक एंड से यासिर शाह या एक एंड से सईद अजमल आ गए, अब्दुल रहमान आ गए या दुल्फकार बाबर आ गए, ये आपको नजर आया होगा लास्ट 10 ईयर्स में आया होगा नजर। तो हम लोग यहाँ बहुत जीते और इंग्लैंड में भी 2-3 टेस्ट मैच जीते 2016 में, ओवल और लॉर्ड्स पे मैच जीते, फिर हम फिर एक और मैच जीते 18 में भी जीते, लेकिन ब्रेव स्टाइल जो खेलने का है ना वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। या तो हम 90s के प्लेयर थे, थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के थे, ये नहीं था कि हम लोग जीतते चले जाते थे। सेम ऐसे ही टेस्ट मैच हम क्राइस्टचर्च 93-94 में हार चुके हैं। हम 2 टेस्ट मैच जीत चुके थे, वेलिंगटन और ऑकलैंड के टेस्ट मैचेस हम जीत चुके थे, लास्ट टेस्ट मैच था याद, हमने बड़ा टोटल किया था, 62 ने 100 किया था और सईद ने भी 80-90 शायद किए थे। पहली इनिंग में हमने उनको 179 पे आउट कर दिया था, बड़ी लीड ले ली थी, हमने 200 पे आउट कर दिया था उनको, फिर हम खुद आउट हो गए जल्दी 179 पे, हम आउट हो गए, उनको 324 चाहिए था और 5 विकेट डाउन थे उनके 140 पे। ब्रायन यंग और थॉमसन जो ऑफ स्पिनर था उन्होंने सेंचुरीज कर दी, तो वही टेस्ट मैच मुझे याद आ गया कि यार बिल्कुल ऐसे ही हम लोग 93 में आ रहे थे। लेकिन क्या हमारी गलतियां थी, हमने बॉलर थक गए थे और अच्छी बॉलिंग स्पिनर्स ने अकरम रजा ने नहीं की थी, वो अलग फैक्टर थे। तो लेकिन उसके बाद भी 90s में अगर देखते हैं हम लोग काफी ऐसे मैच जीते, 92 हो, 96 हो या 2000 हो, इंग्लैंड में हम 4 टेस्ट मैच जीते और वो इसी तरह जीते, इतना ही टोटल होता था। इसमें एक तो बैटिंग को भी फेलियर हुआ सेकेंड इनिंग में, लेकिन अप्रोच जो हमारे खेलने की थी ना वो पॉजिटिव, ये लोग समझते पॉजिटिव, हम टीवी पे देख के हम समझते नहीं यार ऐसा नहीं खेलना चाहिए, इधर ऐसा खेलना चाहिए, जो मेरा राइट है मैं बोल सकता हूँ आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ कि जैसा हम चाह रहे थे देखने में टीवी पे वैसा नहीं हो रहा था और मैच आगे बढ़ता था, इतना मैच लंबा जाना नहीं चाहिए था। जब काउंटर अटैक में 5 विकेटें गिर गए 117 पे, 138 की पार्टनरशिप हुई है, बटलर की वॉक थी, क्रेडिट इन दोनों को जाता है कि जिस तरह से इन्होंने काउंटर अटैक किया जिसके लिए हम जहनी तौर पर तैयार नहीं है, एक जंग हो रही होती है, आप अपनी जंग की तैयारी में लगे रहते हो और एकदम से अटैक होता है आपके ऊपर और आप संभल नहीं पाते। सेम वही चीज हमारी टीम के साथ कल हुई है, अटैक हुआ, हम नॉर्मल क्रिकेट तो समझ जाते हैं लेकिन रिवर्स स्वीप का जो अटैक हुआ है ना वो हमें डैमेज कर गई। वॉक्स हो या बटलर हो, ये वाइट बॉल के जबरदस्त प्लेयर है, तो जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया अपने आप को और अटैक का टाइम ही नहीं खत्म हो गया ना, फिर आप फेज में चले गए यार एक विकेट गिरेगी तो हम अटैक करेंगे,
तो जहां पे हमारी गलतियां, वहां पे गलतियां करने में मजबूर किसने किया? बटलर ने और वॉक्स ने किया। तो क्रेडिट उनको बहुत ज्यादा जाता है कि एक हारे हुए मैच में वापस लेके आए, वापस लेके आने के बाद दोबारा गिरे नहीं और मैच जितवा के गए। यही हुस्न है टेस्ट क्रिकेट का। अगर हमारे पाकिस्तानी कमेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड जिन्होंने देखा ना, उन्होंने लिखा कि यार टेस्ट क्रिकेट स्टिल किंग है। टेस्ट क्रिकेट का जो इंडिया से कमेंट पड़े, ऑस्ट्रेलियन या जो कंट्रीज खेल रही है, उन्होंने बड़ा सराहा इस टेस्ट क्रिकेट को। हम लोग हारे हुए थे, जख्मी थे, इसलिए हमने क्रिटिसाइज क्या कर सकते हैं। हम अजहर अली के ऊपर कर सकते हैं ना, ये बतली गर्दन, इसने रन भी नहीं किया है तो इस गर्दन को पकड़ लो। तो मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं अजहर अली की गर्दन पकड़ लू। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हमारा स्टाइल चेंज हो गया, खेलने का तरीका चेंज हो गया, देखने का तरीका चेंज हो गया। कल मैं मुश्ताक से अपने प्रोग्राम गेम होने में बात कर रहा था, वो लाइन पे थे, क्योंकि जब वो बॉल करते थे फिफ्थ डे फोर्थ डे तो ये फील्ड सेटिंग नहीं होती थी, अटैक होता था, कोई मिड विकेट पे नहीं होता था, कोई लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे नहीं होता था, सब मिड ऑन मिड ऑफ पे होते थे। 3 पॉइंट गली, स्लिप शॉर्ट लेग, चार पांच फील्डर ऊपर, अम्ब्रेला बनाई हुई थी, तो वो चीज मिसिंग हुई। तो शायद हम 90s के थे, उस तरह का सोचते थे, शायद ये लोग अब ऐसा नहीं सोचते। ये वेट करते हैं कोई आउट हो जाए तो हम दोबारा अटैक करेंगे, हो सकता है ठीक हो, क्योंकि हम 20-25 साल पुरानी सोच को थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। तो ये नजर आया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अजहर अली ने मैच हरवा दिया या उसने मैच हराया, नहीं, इस सब की कंबाइंड एफर्ट थी। जीतने में भी कंबाइंड एफर्ट होती है और हारने में भी कंबाइंड एफर्ट थी। क्रेडिट ज्यादा बटलर वो वक्त हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट ऑब्वियसली उन्होंने मैच जिताया, उन्हीं को जाएगा। हमारी एंड पे पहली इनिंग्स में बाबर आजम के ऊपर सारी दुनिया बात कर रही थी कि बहुत अच्छा प्लेयर है, टॉप 5 में उसको रैंक करते हैं। ऑल्दो कि वो खेला 69 अच्छे किए, उसके बाद आके नेक्स्ट डे वो जल्दी आउट भी हो गया, लेकिन शान मसूद ने एक एंड पे जो एक ओपनर का रोल है, लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि यार बहुत स्लो खेला, लेकिन जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है, एक शीट एंकर हमें चाहिए था जो एक एंड पे खेलता, दूसरे एंड से रन चलते, जिस तरह के सईद अनवर और आमिर सोहेल की, वो दोनों एग्रेसिव प्लेयर थे, लेकिन ओपनर्स में थोड़ा बैलेंस होता है, एक एंकर होता है और दूसरा स्ट्रोक खेलता है, एक काउंटर अटैक करता है, दूसरी बॉलिंग अटैक। तो हमारे यहाँ शान मसूद तो चले ठीक है, अब पहली इनिंग में खेल गए, दूसरी इनिंग में बैड लक हो गई, कैजुअल ज्यादा हो गया, डाउन द लेग साइड वो ग्लांस पूरा नहीं कर सके, आउट हो गए। आबिद अली की क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो इन पिचेस के लिए सूट करते हैं? हमने देख लिया हमारे मुल्क में तो बड़ी अच्छी उनके मतलब की पिचेस थी, अच्छा खेले, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में क्या एज एन ओपनर वो अभी भी चल सकेंगे, या नेक्स्ट मैच के लिए हमें उनको मजीद और चांस देना चाहिए, या इमामुल हक के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, अगर चेंज करेंगे तो गलती करेंगे, और पहली दफा गए हैं वो वहां पे और सीख रहे हैं क्रिकेट को एक तरह से। अगर शान की बात है, वहां तक शायद 2016 में भी थे ये, 2018 में भी शायद मेरे ख्याल से थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं, सही थे, और काफी टूर्स किए मैं पाकिस्तान से, तो अब जाके स्टेब्लिश हुए लास्ट ईयर से। अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हालिया होम सीरीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया उन्होंने, आबिद ने भी होम सीरीज में परफॉर्म किया, डिफरेंट प्लेयर है वो, तो अटैकिंग माइंड के प्लेयर है, गलत शॉट मारी सेकेंड इनिंग में उन्होंने, रियलाइज भी हुआ होगा उनको, लेकिन इतनी जल्दी अगर आप हमारे सोच ये होगी कि हम चेंज कर दें, तो फिर अगले आखिरी मैच में 2 प्लेयर खेल रहे होंगे, ये जो खेल जो रन करेगा वही खेलेगा, तो ये अप्रोच मेरी तो नहीं है। कम अज कम होती है कभी कभार कि कैसे फॉर्मेट से जाना चाहिए, हमें 6 बॉलर से, 4 बॉलर से चाहिए, 6 बैट्समैन से चाहिए, वो डिफरेंट, लेकिन आबिद अली को पूरी सीरीज खेलनी चाहिए, और शान मसूद के साथ। शान मसूद का स्ट्राइक रेट ठीक था शुरू में, पहले दिन अगर देखते हैं स्लो था, लेकिन बाबर तेज खेल गए तो उसमें बाबर अच्छा खेले, और अभी जाकर अगर हम देखते हैं इनको नेक्स्ट डे जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया शादाब के साथ, जब न्यू बॉल मिलने वाली थी तो रूट्स को बेस को जिस तरह से चार्ज किया, न्यू बॉल मिली उसके बाद तेज खेले, तो एंड पे देखे 156 उन्होंने अच्छे, पहले पहले दिन 30 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन एंड उनका 45-46 पे गया होगा, तो एक नॉर्मल चीज थी। तो शान और आबिद अली को ही ओपनर होना चाहिए, और
आबिद अली का मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फैन उस वक्त तक रहूंगा जब तक वो परफॉर्म करते रहेंगे। जहाँ पे नजर आएगा कि यार नहीं आबिद अली अब शायद वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे जैसा हमने सोचे हैं, तो उससे भी बात करेंगे। लेकिन टू अर्ली है कि मैं आबिद अली पे कोई कमेंट ऐसा दूं कि वो ऐसा प्लेयर है, नहीं वो अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म किया हुआ है। अजहर अली के बारे में क्या राय है राशिद भाई, क्या देखते हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं उसका, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फॉर्म नहीं है, क्या इशू है, क्यों नहीं? बड़े अच्छे से एक एनालिसिस किसी ने दिया, वसीम अकरम ही शायद दे रहे थे कि 11 की एवरेज से पिछले 7-8 या 10 टेस्ट मैचेस में खेल रहे हैं वो। अजहर का बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज है बहुत ज्यादा, टेक्निकल मतलब कि उनकी जो खेलने का स्टाइल है, बैट की ग्रिप है, क्रॉस पाउंड गिरता है, लेकिन इसी में वो रन करते हुए भी आए, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो गया आपके एज के इस हिस्से में आ जाते हैं कि वापस से की टेक्निक थोड़ी खराब होती है, उनकी फॉर्म लेट आती है। लेकिन हम पाकिस्तान की सीरीज में देखते हैं 34 ओवर एक सेंचुरी उन्होंने की, अदरवाइज काफी इनिंग में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो इनको भी शायद जो बर्डन दिया गया है कप्तानी का वो भी ज्यादा हो गया, कप्तान हो गए ऊपर से फिर ओवरसीज में परफॉर्म नहीं किया, वहां पे आउट हो गए पहले टेस्ट में, तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर दबाव जो नजर आ रहा है वो अजहर अली पे आ रहा है, तो इस वक्त टेक्निकल फ्लॉज जो है उसको तो हम कर नहीं पाएंगे ठीक इतनी जल्दी, लेकिन हम टैक्टिकल जो फॉल्ट टैक्टिक्स है क्रिकेट की उसको अपना सकते हैं, जिस तरह से हमने सीखा जावेद मियादाद से सीखा, वसीम अकरम से सीखा, ग्रेट से पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के, कि जब आप टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो आप टैक्टिक्स कौन सी इस्तेमाल करेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जाओ। ये जब खड़े हो रहे हैं विकेटों के बीच में खड़े हो रहे हैं और बॉल इनके पैड्स पे आके लग रही है, तो इनको अपने पाँव बचाना है, तो थोड़ा बाहर खड़े होके ओपन खड़े हो जाए जैसे जावेद भाई खड़े होते थे जब मैंने देखा, उसमें पाँव आपका बीच में आएगा नहीं, आपका बैट आएगा, जिस तरह से बटलर और वॉक्स ने खेला है कि पाँव उनका आया ही नहीं बीच में, स्पिनर तो या फास्ट बॉलर पाँव बचाया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने खैर वो डिफरेंट सिनेरियो होता है, वो डिफरेंट प्लेयर है, अदर न्यू बॉल प्लेयर है और ओपनिंग प्लेयर है जो दुनिया के हर हिस्से में रन किए हुए, तो ये फॉल्ट आ रहा है कि जिनका पाँव जो है वो गिर रहा है क्रॉस और सर जो है या चेस्ट या शोल्डर कह रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जब क्रॉस और नीचे आएंगे तो बैलेंस आउट हो जाएगा आपका, बैलेंस आउट होगा तो जो बॉल नजर आ रही है ना वो नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप आगे की बॉल मिस कर रहे हैं, जब आगे की मिस कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कि आप टेक्निकली ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या है आप बाहर खड़े हो ओपन खड़े हो जाए तो क्या लेट खेलें बॉल की पिच पे, एयर में नहीं खेलें, बॉल की पिच पे आके फुल फेस ऑफ द बैट एम्पायर की तरफ खेलें तो उसमें बचत है आपकी, तो ये है उसको करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में हम देखें बाबर आजम तो चले खैर स्कोर कर ही रहे हैं, बड़े कंसिस्टेंट भी हैं, यूनुस खान के जाने के बाद जो यूनुस खान हमारा मिडिल ऑर्डर का बड़ा मेन बैट्समैन थे और जब 30-40 करते थे तो उसको एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर लेते थे, ये उनकी क्लास थी। इस वक्त जो मिडिल ऑर्डर है बाबर आजम है, असद शफीक है और अजहर अली है, तो वो खला काफी फील हो रहा है। असद शफीक छठे नंबर पे बैटिंग करते हुए सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है उनका वर्ल्ड में, उन पे भी काफी प्रेशर है, इनिंग नजर तो आए कि वो इन हो गए लेकिन उसके बाद से फिर एक दूसरी इनिंग में अननेसेसरी रन लेते हुए रन आउट हो गए, पहली इनिंग में बैड लक कह सकते हैं, बॉल अच्छा पड़ गया था। प्रेशर बिल्कुल असद के ऊपर भी है, यासिर के ऊपर भी है, अब्बास के ऊपर भी, ये चार प्लेयर है अजहर अली के मिला के जो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, और रेड बॉल क्रिकेट कितनी होंगी हमारे साल में 6 से 7 टेस्ट मैच, मैक्सिमम 8 टेस्ट मैच लगा रहे हैं, ये सारे शायद अब्बास शायद मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे लास्ट ईयर, लेकिन यासिर नहीं रहे किसी भी फ्रेंचाइज का, ना असद शफीक रहे ना अजहर अली रहे, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना इनको हमारे PSL का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि गेम से आउट हो जाते हैं, और ये सिर्फ अगर रेड बॉल से खेलेंगे ना तो शायद हल्के हल्के फेड हो जाएं, इनको चलाते रहे यूनुस खान और मिसबाह उल हक दोनों को, क्योंकि फिर चार दोनों की जोड़ी लग गई थी हमारी, तो बड़ा अच्छा कामयाबी है मिली हमें, तो वो टूटी जब फिर गए तो इनका रिकॉर्ड इनका जो परफॉर्मेंस है नंबरिंग चेंज हुई, कभी अगर 3 नंबर खेलता है कभी ओपन खेलता है, असद शफीक
छः खेल रहे थे, उसके बाद चार हो गए, लेकिन अभी बाबर चार पे आ गए, ये पांच पे चले गए। तो हमने रियलाइज नहीं किया कि बाबर का नंबर कौन सा है, मेन प्लेयर हमारा बाबर है या असद शफीक है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा टेस्ट मैच का। बाबर वाइट बॉल वेरी गुड प्लेयर, टेस्ट मैच में किया है, दो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेल के आया, फिर यहाँ पे दो सेंचुरीज इसने की है, लेकिन जब इंग्लिश कंडीशन में अच्छी स्विंग होगी और बॉल मूवमेंट होगी तो शायद अटैक ज्यादा है इनका, फैंसी शॉट ज्यादा मारते हैं। असद शफीक टाइम लेता है थोड़ा सा ना, और वो कॉम्पैक्ट है थोड़ा, तो असद शफीक अगर चार नंबर पे होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पांच पे आना चाहिए, बाबर को आना चाहिए, छह पे कोई भी है, हारिस सोहेल है, शादाब है, रिजवान है, फवाद आलम है, जो भी है वो उसको होना चाहिए वहां पे। तो असद शफीक थोड़ा निस्बतन उसकी कारकर्दगी बेहतर है अदर अली से, लेकिन अदर अली का जो नंबर है वो बड़ा डेंजरस है, नंबर तीन पे आउट ऑफ फॉर्म टेक्निकल फॉल्ट आ जाए ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पैट करके बैठते हो, आपको नहीं पता था अगली बॉल पहली बॉल के बाद ही मुझे जाना पड़े या 10 ओवर के बाद जाना पड़े। तो ये दोनों दोनों बैट्समैन के साथ, सिर्फ अदर के साथ नहीं असद शफीक के साथ भी, होप कि अगले मैच में ये दोनों परफॉर्म करें और टेस्ट मैच में वापसी करें पाकिस्तान टीम। अच्छा अब राशिद भाई आ जाते हैं हम ये ऑलराउंडर की, जिसके हमने खिलाया शादाब खान को, हमारे पास शादाब खान भी है, हमारे पास फवाद आलम भी है, हमारे पास सरफराज अहमद भी है जो एज एन बैट्समैन भी खेल सकते हैं, अगर विकेट कीपर की जॉब नहीं दे रहे हम उनको तो वह एज ए बैट्समैन भी टीम में फिट इन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच को देखते हुए शादाब ने जितनी बॉलिंग की है इस मैच में, क्या हमें सरफराज को खिलाना चाहिए या फवाद आलम को खिलाना चाहिए या फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ को टीम में डालना चाहिए? देखिए पिच देख के ही पता चलेगा, लेकिन मोस्टली मेरा माइंड बगैर पिच देखे ही यही होता है कि तीन फास्ट बॉलर और एक स्पिनर इनफ होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि पूरा टाइम मुझे देना होता है अपने स्पिनर को, कॉन्फिडेंस देना होता है, या तो फास्ट बॉलर में ऑलराउंडर दूंगा तो मेरा एक बॉलर दया होगा क्योंकि उसकी जगह वो बॉलिंग कर रहा होगा ना। तो मैं इसमें नहीं पड़ता कि पाँच बॉलर खेलें और छः पाँच बैट्समैन एक विकेट कीपर खेलें, मैं वाली फिलॉसफी का कप्तान भी नहीं हूँ और नहीं मुझे पसंद ही नहीं वो गेम, क्योंकि मैंने क्रिकेट जो देखी शायद वेस्ट इंडीज़ की देखी जहाँ पे चार फास्ट बॉलर बॉल किया करते थे, पांचवें की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, उसमें अगर आप देखते हैं चार बॉलर मैग्रा ली ग्रेस्पी या कोई और हो जाए, कॉस्प्रोविच हो जाए या आपका फ्लेमिंग हो जाए, ये तीन खेलते थे, एक शेन वॉन खेलता था, बीच में शेन वॉन और मैगिल भी साथ खेले, ऐसा नहीं है साथ नहीं खेले, लेकिन सिडनी टेस्ट हो गया या कोई टर्निंग ट्रैक पर साथ खेले हुए, तो ये बहुत बड़ा है कि ये जिस टीम ने 15-15 10-10 साल डोमिनेट किया वो चार बॉलर से जा रही है। पाकिस्तान का भी यही है कि 87 में हम जीतना शुरू हुए, बॉस्टन टेस्ट या लीड्स में जीते, इमरान खान कप्तान थे, उसमें चार बॉलर खेले थे हमारे, मोहसिन कमाल थे उसमें, वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल कादिर, लेकिन मुदस्सिर नजर एक ऑलराउंडर थे, जनरल स्विंग करते थे, वो एडवांटेज था। 92 में वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद, सेम बॉलिंग लाइनअप 96 में भी था हमारा, उसमें अताउर रहमान आ गए थे। 2000 में हम पांच बॉलर से गए थे, शोएब अख्तर अनफिट हो गए थे, समी अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से रजाक और अजहर महमूद से जाना पड़ा और वकार यूनुस खेल रहे थे, साथ में वसीम अकरम खेल रहे थे और सकलेन मुश्ताक, तो पांच बॉलर से हम गए। लेकिन मजे की बात यह है कि अजहर महमूद ने पहली इनिंग में ओल्ड ट्रफर्ड में 8 ओवर किए, सेकेंड इनिंग में 1 ओवर भी नहीं किया, इसका मतलब है कि सेकेंड इनिंग में चार बॉलर इनफ होते हैं। तो मोस्टली हमारी सिडनी टेस्ट में आते हैं, 95 में हम जीते थे, दो स्पिनर दो फास्ट बॉलर, वसीम एंड वकार, सकलेन एंड मुश्ताक, वो टेस्ट मैच हम जीते। अब नई सोच लेके आना मुझे लगता है कि मिस फायर कर गया, लोगों ने बड़े कमेंट किए जब, क्योंकि मैं तो अपने स्टाइल पे, मैं उनके स्टाइल पे नहीं जा रहा, मैं अपना बोल रहा हूँ कि मैं चार खिलाता, मैं अभी भी उसी पे खड़ा हुआ हूँ, मैं मिसबा को या टीम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं मेरी टीम ये खेलती भाई, चार बॉलर और छह बैट्समैन,
कुछ लोगों ने, बहुत सारों ने लिखा सोशल मीडिया में कि 2 दिन बाद के ना देख लिया सबने कि 2 बारों से कितना फायदा हुआ, तो उनको कमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन क्रिकेट हर सेशन में चेंज होती है, और जब तक लास्ट विकेट लास्ट रन ना बन जाए ना, कमेंट पास नहीं करो अपने। ये बारीकियां हैं क्रिकेट की, जो जो के साफी शायद जो हमारे हजरात हैं बहुत काबिल लोग हैं, वो कर थोड़ा एहतियात बरतते हैं इसे। क्योंकि जो क्रिकेटर जो बोल रहा है ना, मैं हर चीज सही नहीं बोलते हैं, हमें वो भी गलतियां होती हैं, लेकिन उसको वैल्यू दें, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करें। यार आपने तो ये बोला था और ये देखें 2 बॉलर से कितना फर्क पड़ गया, 5 बॉलर से कितना मैच तो हार गए ना। छठा बैट्समैन खेलता हो सकता है 0 करता, हो सकता है 100 करता, तो 350 की लीड लगी होती, ये फर्क होता है। अगर हम देखते हैं कालीचरण या लैरी गोम को देखें, या छठे नंबर के वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को देखते हैं 80s के, उसने गेम को चेंज किया है। और ऑस्ट्रेलिया में डेमिन मार्टिन की मिसाल बहुत मशहूर थी, टेस्ट मैचेस में वो आता था, कभी बैटिंग आती थी नहीं आती, लेकिन जब क्रूशियल टाइम पे बैटिंग आती थी, 100 रन की पार्टनरशिप गिलक्रिस्ट के साथ लगाई, मैच को साइड पे किया, वो पार्टनरशिप मिसिंग थी इस टेस्ट मैच में। नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहा है, खेल रहा है अच्छा, ज्यादा गुड प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, शायद रन कम थे, नंबर 7 पे नंबर 6 पे जो रन कर रहे हैं ना, ये कम रन थे। 30-35 से सर्वाइवल मैच नहीं जीत सकते आप, नहीं। हाँ ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की होती है, तो नीचे जाके 30-35 करते हैं तो मैच विनिंग होते हैं। शादाब का अगर देखते हैं खेलने का, तो बैकग्राउंड में जाते हैं तो नॉर्दर्न से फर्स्ट क्लास खेले वो, इसलिए से मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा, 2 मैच शायद खेले उन्होंने फर्स्ट क्लास के। उसके बाद बिग बैश में, बिग बैश बोल रहा हूँ मैं, बिग बैश में भी शायद गए, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में गए वो ड्यूरिंग फर्स्ट क्लास सीजन। तो क्या हमने प्लान नहीं किया था कि हम शादाब को खिलाएंगे टेस्ट मैचेस? 2 टेस्ट में 2 फर्स्ट क्लास खेल के ये चले गए, उनकी जगह या उनसे पहले नोमान अली जो हैदराबाद के लेफ्ट आर्म स्पिनर वो खेल रहे थे, उन्होंने टॉप किया है पाकिस्तान के सीजन में, शायद स्पिनर्स में उन्होंने 43-45 विकेट लिए हैं, साथ में भट्टी तो था नहीं यहाँ पे। तो जो प्लेयर आप यहाँ पे जगह नहीं बना पा रहा, या आपने इजाजत दे दी कि यार ठीक है व्हाइट बॉल प्लेयर है ये, तो वो टेस्ट मैच खेल रहा है, ये अप्रोच से मुझे बड़ा वो तहफुजा है इस अप्रोच से। तो तो आपने राशिद तैयारी नहीं की थी कि यार शादाब खेलेगा? तो आपके ख्याल में नेक्स्ट मैच में शादाब, सरफराज और फवाद आलम में से कौन खेलना चाहिए? मैं देखिए नाम नहीं लूंगा किसी का, 6-4-1, 6 बैट्समैन, बैट्समैन, 4 बॉलर, 4 बॉलर एक और विकेट कीपर, दैट्स इट। पिच होगी 3 फास्ट बॉलर की, 2 की तो नहीं होगी, 3 की होगी, और उसमें 2-3 ऑप्शन दे देता हूँ फास्ट बॉलिंग में। अब किसी की जगह भी खिला सकते हैं, सोहेल खान और वहाब रियाज, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो है अब्बास, उसकी पेस इतनी नहीं है। जिस विकेट कीपर को, जिस बॉलर को विकेट कीपर ऊपर आ जाए ना, तो मुश्किल हो जाता है कि वो बाउंसर मारेगा या कुछ होगा। तो अपनी लाइफ के एंड में ऐसी पेस पे अगर बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छा बॉलर है, आउट किए ऊपर से नए बॉल से आउट करता है वो। लेकिन देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो कि न्यू बॉल, और कल वाली बॉल थी आगे आगे से स्विंग पैड्स पे मारने वाली, वो मिसिंग हुई है, वो वहाब और सोहेल कर सकते हैं। कुछ सोहेल खान और वहाब पे बॉलर दोनों में से एक को शायद, मुझे लगता है। शायद ऐसा भी हो सकता है राशिद भाई के नसीम शाह जो अभी बहुत यंग है, उनको 3 मैच लगातार ना खिलाया जाए, रेस्ट दिया जाए ताकि इंजरी ना हो सके उनकी कोई, तो उस नेक्स्ट मैच में मगर भाई उनको। इसमें देखे ना, मैं नसीम शाह को काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो आया हुआ है, वो 2 से 3 ओवर करता है ओवर द विकेट, कंफर्टेबल नहीं होता ओवर द विकेट, वो राउंड द विकेट चला जाता है, वहां से अच्छा एंगल लगता है इसका ना, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं उसके, कि वो अगर पैड पे लगी शायद लेग बिफोर ना हो। हाँ जहाँ पे रफ पड़ जाता है वहां से, जैसे आउट किया उसने, वो एक जगह ऐसी थी, लेकिन सारी बॉल वहां नहीं पड़ेंगी, तो लेग बिफोर का ऑप्शन, पे स्लिप लगने का ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। वनडे में ठीक है कि आपने ना कट रोक लिया, बहुत सारी चीजें, तो ये भी हमारे फास्ट बॉलिंग कोच को देखना पड़ेगा कि यार शाहीन उधर से क्यों आ रहा है। ये सेम चीज हुई थी इसके साथ, मिचेल स्टार्क के साथ, तो लास्ट एशेज में उन्होंने 1 या 2 मैच खिलाए, लेकिन उसको सख्ती से मना किया कि जब तक हम बोले नहीं ना आपको राउंड द विकेट नहीं आ रहा, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम होती थी वो राउंड द विकेट आ जाता था।
तो ये हमारी मैनेजमेंट को देखना है कि मैक्सिमम बॉलिंग करें ओवर द विकेट। हाँ, जब रिवर्स शुरू हो जाए तो आप आ जाए। वसीम अकरम आते थे जब रिवर्स होती थी, और वो अगर सेव भी कर रहे हैं ना, सेव बॉल की जगह, तो वसीम अकरम नहीं बन सकते आप लोग। वो प्रैक्टिकली आते थे यहाँ से, यार थोड़ा मैं एंगल चेंज कर लूँ, विकेट लेने नहीं आते थे कभी कभार। तो हाँ यार, दो चार बॉलिंग की टक्कर के वापिस आ गए, देख लिया यार ये बल्ला कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सामने से वाइड, आपको सामने से नजर आता है कैसा खेल रहा है। तो ये राउंड द विकेट शायद ये टैक्टिक्स इनकी बैकफायर हो जाती है, इसको सही करना पड़ेगा। राशिद भाई, फास्ट बॉलिंग कोचिंग की बात की जाए तो पिछले 5 साल से बड़े अच्छे कोचेज हमारी टीम के साथ एसोसिएट रहे, मोहम्मद अकरम, अजहर महमूद और इस वक्त वकार यूनिस, और वसीम अकरम ऑलमोस्ट हर टूर पे एज एन कॉमेंटेटर टीम वहाँ होते ही है टूर पे, और वो देते भी होंगे टिप्स बॉलर्स को। तो शाहीन शाह आफरीदी जो नया बॉल जब करते हैं तो अंदर तो बड़ा अच्छा ला रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन को, लेकिन जब वो बॉल एंगल के साथ बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उस पर इतना कंट्रोल नहीं है उनका। हमने देखा कि वो बाहर भी बॉल उनकी काफी चली जाती है, तो क्या वसीम अकरम को थोड़ा सा इनको और देखना चाहिए टाइम, या वकार यूनुस ही काफी है उनको समझाने के लिए? देखिए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सदियों में पैदा होते हैं, ये जो करते थे यही कर सकते थे, बता भी सकते हैं। लेकिन आपका ब्रॉटअप कैसे है, शाहीन आफरीदी या नसीम में कितने मैच खेले हुए फर्स्ट क्लास? हालांकि वसीम भाई भी फर्स्ट क्लास खेले बगैर आए थे, लेकिन उन्होंने क्लब क्रिकेट बहुत खेली हुई थी बचपन में, शौक था टेप बॉल और क्लब क्रिकेट बहुत खेल रखी हुई थी उन्होंने। वकार का भी सेम है, या दूसरे बॉलर आए, इनके क्रिकेट बहुत काम है। जब तक आप ज्यादा खेल के आए होंगे, आपको तो इस एज में तो सब कुछ सीख के ही आना चाहिए ना। जो हम लोग जब खेल के आए थे, क्लब से इतने मैच खेले थे, हमें पता है कि सिनारी मैच सिनारियों क्या है। अब टेस्ट मैच में आके इनको सिखाया जाए तो फिर डिजर्व नहीं करते ये कि, और वसीम भाई की जॉब भी नहीं है कि वो आके हर एक को खड़े हो जाए अपनी, वो बता सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो इनको करना है, और इम्प्लीमेंट करने में 10 मिनट के लिए वसीम अकरम मिल लेते हैं इनसे, बाकी कोचिंग स्टाफ जो वहां पे वो मिलता है, या नेशनल क्रिकेट अकेडमी आता है डिफरेंट स्टाफ आ जाता है, फिर अपने प्रोविंस में जाते हैं अलग स्टाफ आ जाता है। तो सीखने का अमल तो आपका बचपन से शुरू होता है, जब आप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं क्लब क्रिकेट हो गए या दूसरे क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां सीखा जाता है। यहाँ पे आके अगर मैं टेस्ट मैच से पहले बताऊं यार ये कर लेना तुम, तो वो डिजर्व ही नहीं करता टेस्ट मैच खेलने के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं करता इतनी जल्दी। हालांकि टैलेंटेड है सारे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा इनको क्रिकेट को समझने के लिए, गेम की सिचुएशन को समझने के लिए। कल फ्लक्चुएट किया मैच ने ना, इनको पता ही नहीं चला, फील्ड में खड़े के खड़े रह गए सारे ना। तो कीपर से लेके बॉलर तक 11 प्लेयर्स कि बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। लास्ट डे, लास्ट डे मतलब ये मैच का रिजल्ट होने वाला है, तो ये खड़े रहे, स्टैटिक खड़े रहे, वो उससे बड़ा आउट हो गया तो फिर थोड़ा मिल लिया उन्होंने, लेकिन विकेट गिरने का खुद ही इंतजार करते रहे। हाँ इंतजार करते, तो वो खुद प्लानिंग नहीं की, सेटअप नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है कि वो खेले भी अच्छा, लेकिन जो आपका सवाल था वसीम अकरम, उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो बताते होंगे, अभी टीवी पे बता रहे हैं, जिसको सीखना है टीवी पे खेल लो। हम तो उसके साथ खेलते खेलते हम लेफ्ट आर्म फॉरवर्ड को सिखा लेते हैं, हमें पता है कि वसीम भाई क्या बताते थे, हमने सीखा है उनसे, नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं उनसे पूछ लिया है, विकी से पूछ लिया। इनको जब प्रॉब्लम आती थी कीपर को लेके जाते थे अपने मिडिल में ना, यार साथ आ जाओ, फिर बताते रहते यार ये मेरा प्रॉब्लम है, हाथ देखना मेरा, पाँव देखना। तो ये हमारी मैनुअल कोचिंग होती थी क्या, वो वकार के अगर प्रॉब्लम है या वसीम भाई की या मुशी की, तो मैं होता था, या मोइन जब हम लोग साथ खेले में, तो वो बोलते हैं यार ये मेरा हाथ देखना मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो हमें बहुत आइडिया हो गया यार कि ये क्या आप चाह रहे हैं, माइंड पढ़ लिया हमने। हमने तकरीबन 10 साल अगर साथ गुजारे हैं डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में, तो फास्ट बॉलर की साइकी पता है। फिर शुएब का इंजेक्ट हो गया बीच में, वो डिफरेंट बॉलर था, उसके स्टार्ट लंबा था, तो हम हमें विरासत में हमें फास्ट बॉलिंग सीखने को मिल गई एज अ कीपर, और इसीलिए हम अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोशिश करते हैं जब टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि वो जो बातें हम कर रहे होते हैं वो मेरी बातें थोड़ी होती हैं, इन ग्रेट्स की बातें होती हैं जो कि अपनी जुबान से मेरी जा रही होती हैं। और कहीं गलती करता हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे, जैसे अगर कमेंट्री वसीम भाई कर रहे हैं उनको मैसेज कर दिया मैंने, या ये बता दें मैं फंस रहा हूँ यहाँ पे ना, विकी को तो खैर मैच में होता है,
शेयर तो साथ में ही होता है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। तो इनसे आप लेने का तरीका आना चाहिए। हम लोग शायद इतनी क्रिकेट खेले हुए, हमारी उम्र ज्यादा हो गई, 50-55 साल के हम लोग हो रहे हैं, तो ईजी है सीखना हमारा। हम काम 24 घंटे हम मैच देख रहे हैं, सारे मैच दुनिया के देख रहे हैं, लेकिन ये बच्चे डिफरेंट चीज है इनके, शायद वो गेम में आ नहीं पा रहे अभी तक। मोहम्मद आसिफ एक ऐसा था जो कि गेम में आया था पाकिस्तान के लिए, यासिर था, सही दशमा नजर आ जाते हैं अलग लोग, आपको बॉलिंग साइड के भी बता रहा हूँ। तो ये इतने आसानी से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये आप विरासत में जरूर मिल सकता है, ट्रांसफर नहीं करा सकते, क्योंकि विरासत में मिलने का मतलब ये इमरान खान गए तो ये विरासत में मिली ना चीजें, जावेद मियाँ गए तो विरासत में बैट्समैन मिले, अब क्या मिलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सिस्टम के ऊपर है, बेहतरी हमें निजाम के अंदर लेके आनी है, वो एग्रेशन लेके आना है, वो गेम लेके आना है, क्लब क्रिकेट लेके आनी है, वो क्लब क्रिकेट बहुत मिसिंग है, बेसिक है क्लब। मैं हमेशा क्लब के ऊपर बहुत फोकस होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर क्लब में बनते हुए देखे हैं। मैं खुद 94 की सीरीज खेल रहा था, मुझसे रन नहीं हो रहे थे, जावेद भाई को फोन किया मैंने, जावेद भाई जो 30-35 करता हूँ वो नहीं हो रहे मुझसे ना, मैं बड़े ज्यादा रन तो नहीं करता था। तो उन्होंने कहा क्लब क्रिकेट के मैच खेलने गैप है तेरा ना। मैं खेला एक मलेरियम खाना का मैच खेला, फिर कराची टेस्ट 94 का याद होगा, मेरी तबीयत खराब थी उसमें, उसमें दूसरी इनिंग में मैं आया, मैंने चौके वोके मार दिए तो मैच में वापस आ गया, जहाँ इंदमाम ने मैच जिताया था। वो क्या था, क्लब क्रिकेट में खेल के आया था 2 दिन पहले, तो बहुत फर्क पड़ता है, सीमेंट पे खेले या उस पर खेले, ये खेल नहीं रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे, नेट बहुत ज्यादा है, लेकिन गैप बहुत बड़ा आया हमारा। मार्च से पहले हम खेले हुए थे, गैप बड़ा आ गया हमारा, मानते हैं, लेकिन हम लोग बैकअप अगर देखे जाए, बैकअप बैकअप माइंड अगर मैच ही देखे जाए, तो टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेल के गए और वहां पे गैप बहुत ज्यादा, 4 महीने का गैप एक क्रिकेटर के लिए बहुत लंबा होता है। लेकिन राशिद भाई, अजहर अली वहां पे काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे हैं और मोहम्मद अब्बास भी खेल रहे हैं, तो गैप तो, और उन कंडीशन में जब एक सीजन आप खेल कर आते हैं तो आपको काफी नॉलेज आ जाती है वहाँ के, उसके बावजूद अगर नहीं स्कोर कर रहे तो कोई ना कोई रीजन तो है। पहली इनिंग्स की मैं बात करूं, अगर आपने आउट कर लिया था उनको और 107 रन की लीड ले ली थी, उसके बाद जो हम सेकंड इनिंग में गए हैं तो क्या माइंडसेट लेकर गए हैं कि अगर विकेटें गिर रही हैं तो बस गिरती जाएंगी, कोई काउंटर अटैक, कोई स्ट्रेटजी हमारी तरफ से नजर ही नहीं आई। देखिए, काउंटर अटैक सिर्फ आबिद एक था जो कि उसने काउंटर अटैक गलत टाइम पे कर लिया। आपने देखा कि टॉम बैस ने बॉलिंग की है और शॉर्ट लेग लगी आबिद की, तो परेशान हो गया थोड़ा। अमूमन ऐसे मौकों पर जो ऑफ स्टंप के बाहर उनको मिली थी बॉल, वो ले गए इधर, टॉपेज हुई और कैच आउट हो गया, बॉक्स में कैच किया, हालांकि अंदर मारते फील्डर कोई भी नहीं था, चौका हो जाता था, उनको मिल जाता। तो शॉट सिलेक्शन आप देखें, अनलकी रहे शान के, वो डाउन द लेग साइड वो कॉट बैंड हो गए, फिर आबिद ने मार दी, प्रेशर अंडर प्रेशर आप आ गए, 5 बैट्समैन से खेल रहे, फिर रन आउट हो जाना असद शफी का रन आउट हो जाना, 3 विकेट आपने ऐसे ही चले गए, एक रन आउट, एक डाउन द लेग साइड कॉट बैंड, एक ने गलत शॉट मार दी, 3 तो यही हो गए, 3 लेग बिफोर हो गए हमारे। इसका मतलब सेंटर में खेले में अजहर अली, रिजवान और शादाब सेंटर में खड़े हुए हैं, और ये जो बात की ना आपने के काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट में जब खेल रहे होते हैं ये बॉलर नहीं खेल रहे होते इतने पेस के, वॉक खेल रहा है, ब्रॉड खेल रहा है, इस क्वालिटी के बॉलर नहीं होते वहां पे, 1-2 अच्छे बॉलर होते हैं वहां पे, आप सर्वाइव कर लेते हो। तो ये क्वालिटी बॉलर थे जो कि उनको आपको पता था कि कहाँ पे लेके आएंगे। तो ये 6 बैट्समैन या विकेट कीपर को मिला लें, 3 लेग बिफोर हो गए, 3 अपनी गलतियों से आउट हो गए, तो गेम तो काफी हद तक इंग्लैंड ने खत्म कर दिया था। ये तो 30-35 रन एक्स्ट्रा जो हो गए उससे हमें हो पा गई थी, क्योंकि बॉलिंग ठीक है, ठीक थी हमारी, लेकिन 240 रन अगर मैं अपने जमाने की बात करता हूँ तो 200 रन भी बहुत थे इस टीम के लिए। मेरे पास वसीम अकरम होते, वकार यूनुस होते, या 2 बॉलर अगर तकलैन और मैं खिलाता मुशी को, सर मैं पीछे फील्डर लेने की जरूरत थी, 4 फील्डर, 11 फील्डर की भी बात नहीं कर रहा, 5 फील्डर से मैच जीत जाता, इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये वही अवेयरनेस की बात आ गई ना राशिद भाई, क्या आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस कहाँ से आती है, आप क्रिकेट बहुत खेले हुए होते हैं ना, अगर मैं या हमारे साथ के लोग साथी जो प्लेयर थे 200 मैच एक साल में खेलेंगे क्लब के या डिफरेंट फर्स्ट क्लास मिला के, तो उनकी अप्रोच, उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है, स्किल ज्यादा हो जाती है, जिसका स्किल ज्यादा होती है वो फंसता नहीं, जो फंसता नहीं उनका मेंटली एटीट्यूड डिफरेंट होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है,
मेंटल स्ट्रांग होने के लिए कि आपको एक्सरसाइज नहीं है, वो ये कि आपके स्किल्स अच्छी होंगी। आपको पता है आप ऑफिस में काम करते हैं, दफ्तर में प्रेशर जिस पे पड़ता है क्लैश कर जाते हैं। कुछ लोग स्किल्स में इतने माहिर होते हैं कि निकल जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ से प्रेशर आएगा, फाइनेंशियली आएगा मेरे पास, या मेरी लेबर का आएगा, या क्रंच टाइम आ जाएगा, तो मुझे पता है कि मैं निकाल लूंगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी स्किल्स होती हैं। जिसके पास स्किल ही नहीं है मैन मैनेजमेंट की, वो क्लैश कर जाता है। सेम चीज क्रिकेट में, अगर आपके पास स्किल्स हैं हर चीज में तो आप निकल जाते हो। यार यहाँ से ये बैट्समैन आउट नहीं हो रहा मुझसे, मैं राउंड विकेट आता हूँ, किया यहाँ से नहीं हो रहा, मैं इधर से आता हूँ, मैं राइट आर्म लेग स्पिनर को रफ पे बॉल गिरवाऊंगा, जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी है जी। यार यहाँ से फंसेगा, यहाँ से हर कोई फंसता है, कहीं ना कहीं तो क्लिक होता है। आपके पास चीजें माइंड में बैकअप माइंड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं ये आपने माइंड की बात की है, बहुत सारे आप टॉक शो देखते होंगे, कुछ लोग कहीं फंसते ही नहीं है, उनको फंसाने की कोई, क्योंकि उनकी नॉलेज बैकअप में इतनी होती है ना, आप फंसा ही नहीं सकते। जो होता है मेरी जैसा वो टक करके फंस जाता है, दूसरे सवाल में फंस जाता है। ये आप सही कह रहे हैं, तो सेम चीज स्पोर्ट्स में क्रिकेट में अप्लाई होती है। तो इतनी ज्यादा जो बाहर बैठे हुए ना, अफसोस होते जो बाहर बैठे हुए हैं, वो अंदर होते मैच कभी भी नहीं हम हारते। वकार हो गया, मुशी हो गया, यूनुस हो गया, मिसबा हो गया, सैफी हो गया, सरफराज हो गया, पांच ब्रेन पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं। अंदाजा लगा ले आप, फिर वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे हैं। अब कमेंट्री से इसे क्या जाहिर हो रहा है, काम खेलने वाले का है। कमेंट्री से याद आया कि इसी मैच में माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री में कहा कि क्रिस वोक्स की कमजोरी है कि उसकी बॉडी पे अगर बॉल किया जाए या बाउंसर्स किया जाए, जो कि वेस्ट इंडीज ने किया हमारी सीरीज से पहले, तो वो नहीं खेल पाता। तो अब ये बात सुन भी रहे होंगे पाकिस्तानी जो सपोर्ट स्टाफ है, या किसी ने इन तक पहुंचाई भी होगी, इवन वसीम अकरम ने भी जाके पहुंचाई होगी कि उसके बॉडी पे बॉल करो, बाउंसर्स करो, लेकिन वो हमें नजर नहीं आया कहीं कि उसको इस तरह बॉल नहीं देखती थी। नहीं, माइकल होल्डिंग नो डाउट ये ग्रेटेस्ट माइंड क्रिकेट का है, लेकिन उनको दिखानी चाहिए थी शादाब को तीसरे दिन बाउंसर हुए हैं, एक भी शोल्डर के ऊपर बॉल नहीं गई है, इसका मतलब बॉल सॉफ्ट हो गए, पिच छोड़ ही नहीं रही है। जब बॉलर पीछे मारता है तो नहीं जा रही, तो जरूरत नहीं है, बॉल भी खराब होती है और आपकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर मैच देखे तो बेन स्टोक्स राउंड द विकेट आके बाउंसर मारता था, इतनी बाउंसर मारी कि वो अनफिट हो गया था। तीसरे टेस्ट में एक बॉल भी नहीं की उसने, पहले इनिंग में भी इस टेस्ट में बॉलिंग नहीं की, फिर दोबारा आया दूसरी इनिंग में दो विकेट लिए। तो पिच का बिहेवियर, पिच ऐसी थी कि यहाँ पे शायद बाउंसर इतना इफेक्टिव नहीं होता। हाँ कोशिश करनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, जो कि मिड विकेट पे बटलर ने भी मारी, पोप ने भी मारी, नसीम शाह को मारी शॉर्ट ऑफ लेंथ को, लेकिन ये पिच थी नहीं कि कैरी करे तेजी से जाए, या शोएब अख्तर या वसीम अकरम या वकार, वो डिफरेंट बॉलर थे, ये याले बॉलर नहीं थे, ये याले बॉलर थे, ठीक है ना, वसीम भाई तो थोड़े तो यार उनकी बेस देखे, उनकी स्ट्रॉन्ग वो अलग बॉलर थे। ये तीनों बॉलर सदी के बेस्ट बॉलर में से थे, काउंट होंगे। अब ये जो आए ये बेचारे छोटे हैं अभी, तो मैं इनको ब्लेम नहीं दूंगा, अभी बहुत अर्ली है, अभी करियर इनका भी स्टार्ट। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मैंने कहा था हम वो रिवर्स स्विंग वो यॉर्कर्स अब इन बॉलर्स में नहीं देखते, क्या वजह है ये ट्राई नहीं करते? जान नहीं है टर्म ओवर, सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं है टांगों में इतनी जान नहीं है, बेस टांगों में जान नहीं है। देखो बिल्डिंग आप खड़ी करते हो, जितने ज्यादा आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतनी ऊपर जाएगी ना। तो आप लैंडिंग देखें जरा, शुएब की देखें, वसीम भाई की देखें, वकार की देखें, लैंडिंग आके पड़ते थे, ये आवाज आती थी और वो बेस बहुत स्ट्रांग थी इनकी थाइज। वसीम भाई तो अगर हाइट थी, शुएब की या विकी की आप अगर थाइज देखेंगे तो हमारी दो उनकी एक थी। बॉलर की पतली नहीं है ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही दूसरे है। ये वाले बॉलर है आगे से स्विंग सीम आसिफ टाइप के बॉलर है, जोर लगा के बॉल शायद ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा राशिद भाई, इस मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हुए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्या परफॉर्म करेगा, या इंग्लैंड अब कॉन्फिडेंस को कैरी करते हुए बिल्कुल 3-0 की तरफ जा रहा है, या हम कुल फाइट देंगे इस सीरीज में? देखिए इंग्लिश टीम इससे हल्की मैंने कभी भी नहीं देखी, बैटिंग लाइनअप स्पेशली बैटिंग लाइनअप। 2016 में भी दो टेस्ट मैच जीते दो हारे, उसमें भी इन्होंने कोशिश किया, हेल भी खेल गया, बैलेंस भी खेल गया, और कुछ प्लेयर खेले थे जो कि फर्स्ट क्लास,
लेकिन इनकी देखें दोनों ओपनर्स की टेक्निकल फॉल्ट बहुत ज्यादा है कि पाँव क्रॉस गिरता है, बल्ले बाहर से आते हैं, जो कि नए बॉल खेलने की टेक्निक तो ही नहीं, और दिखाया भी है अब्बास ने तो दिखाया उसको रोरी बर्न्स को कि भाई आप उनको आउट किया, फिर शाहीन ने पहली इनिंग में आउट किया, तो इनका पता चल रहा है। तो ये ऊपर से दो आराम से जा सकते थे। जरूर एक परमानेंट प्लेयर है जो अच्छा खेलता है, नंबर तीन पे खेल रहा है, वो गुड प्लेयर है। नंबर चार पे बहुत जल्दी आ रहे हैं स्टोक, दोनों इनिंग में देखा बहुत जल्दी आया, पहले इनिंग में तो पता ही नहीं चला उसको, बहुत जल्दी आ रहा है। तो चार नंबर पे इतनी जल्दी आ रहा है तो आप तो मैच के अंदर घुस गए पूरा। पांच छह नंबर के प्लेयर्स अब जो है, पोप हो गया वो भी नया गुड प्लेयर है वो, या बटलर इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, अब हमने उनको परफॉर्म करवा दिया है। तो ये टीम ऐसी थी जिसको पाकिस्तान 2-0, मेरे हिसाब से सीरीज से पहले मेरा तजिया यही था 2-0 होना चाहिए था, एक अपने हाथों में गवा दिया हमने, 1-0 हो जाते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गिरी हुई टीम को वापिस आना, स्पेशली जब उन्होंने कमर तोड़ी है ना, वो हमारे कैप्टन की कमर तोड़ दी। अब अदर को रन करने पड़ेंगे अपनी टीम को लड़ाने के लिए, पहले वो अपनी टीम से लड़ेगा फिर दूसरी टीम से लड़ेगा, ये बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तानी कैप्टन के साथ कि किससे लड़े, विद इन द टीम या अपने प्रेस से लड़ेगा या दूसरी टीम से लड़ेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन सीरीज को अच्छा कर दिया हमने। ओके, अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे ये सवाल पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स 360 के व्यूअर्स के लिए मैं आपसे ये सवाल दोबारा करूंगा कि आपने विकेट कीपिंग की है अगेंस्ट टू ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ द सेंचुरी, शोएब अख्तर एंड मोहम्मद जाहिद। मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, डेथ बॉल में किया बहुत तेज था, बल्कि मैं गया था अभी हांगकांग भी गए थे, सिक्स साइड वो सॉफ्ट बॉल होती थी, उसमें राइट किया था हमारे साथ था, वो राइट तेज था। लेकिन सर आपने आपने देखा दोनों को बॉल करते थे। हाँ, राइट के साथ काफी टाइम गुजरा हमारा, मोहम्मद तेज था, वसीम भाई, वकार सब तेज थे। आपकी राय में जाहिद सबसे तेज? जाहिद तेज था, शोएब बहुत तेज था, शोएब और समी को मैं बताऊं राइट ऑफ द पिच तेज था, गुड था, लेकिन मैंने शायद इतनी बॉल में फील नहीं की, राइट को मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन शोएब वगैरह या दूसरे बताते हैं तेज था, लेकिन समी बहुत तेज था, मोहम्मद समी। निपी कहेंगे वाहिद बॉलर है, वाहिद बॉलर है जिसकी बॉल हाथ पे आके लगती थी पता नहीं क्यों, लेकिन शोएब बहुत तेज था, शोएब ऐसे नहीं वो इस दुनिया का नंबर वन बॉलर फास्टेस्ट बॉलर गुजरा है, वो अक्सर करता था डोमेस्टिक में, तो अक्सर वो इतनी तेज करता था कि पता ही नहीं चलता था, ये तो अब बाद में जाके ये काउंटिंग शुरू हुई। शोएब का वकार 155 से नीचे नहीं आता था साउथ अफ्रीका 93 में, हालांकि इंजरी के बाद आया हुआ था, वकार बहुत तेज था। समी वसीम भाई ने ये पिंडी में 94 में स्पेल हिस्ट्री वॉक किया था, बहुत तेज किया था, वसीम भाई भी कम नहीं थे। मैं जब आया तो वो देखे 84 का डेब्यू उनका, वो 6-7-8 साल खेल चुके थे ना, अगर मैं 84 में कीपिंग की होता तो मेरे व्यूज डिफरेंट होते, वो भी एक गोलियां बरसाते थे। राजीव भाई, करंट डोमेस्टिक सिस्टम को देखते हुए और एक प्लेयर रह गया जो इस टीम में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, वो टीम के साथ है अंडर 19 की फाइन कह सकते हैं उनको, हैदर अली, कितना रेट करते हैं आप उनको, अब या अभी पूरी तरह तैयार हैं या नहीं है, आ जाना चाहिए टेस्ट टीम में या अभी उनको मजीद पॉलिश करना चाहिए, डोमेस्टिक और खिलाना चाहिए? सर टाइम जाया कर रहे हैं उसका, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं होता ना ये टेस्ट सीरीज खेला होता तीनों टेस्ट खेलता वो। ओके सर, टाइम जाया कर रहे हैं प्लेयर का ना, अब फॉर्म, अब हम जैसे बोल रहे हैं जैसे डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, यार 4 महीने बाद मैच हो रहा है, ठीक है, अब हैदर अली के लिए तो 8 महीने बाद होगा ना, वो अपनी फॉर्म में था पीएसएल में या जो डोमेस्टिकली अच्छी फॉर्म में था, अब वो 20 साल का हो गया है तो ये, और पाकिस्तान के सबसे अच्छा बैट्समैन लग रहा है कि वो फ्यूचर है, तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आग में डालेंगे तो टैलेंट का पता चलेगा ना, बाहर बैठ के टैलेंट का कभी भी नहीं पता चलता, यहाँ पे एक सर पे खाएगा, 2-3 मारेगा, हम थोड़ा बोलेंगे अच्छा प्लेयर भी है इसको यहाँ मेहनत करो, अगर थोड़ा सा अच्छे रन कर देंगे हम बोलेंगे बेस्ट टैलेंट है, तो ये बहुत सारी चीजें काउंट करेगी, जब खेल ही नहीं रहा तो कौन कमेंट करेगा उसके ऊपर, पुरानी बातों भी करेंगे ना, तो
ये इख्तलाफात बोर्ड के साथ मेरे रहते हैं, बस आपको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन हम खैर ख्वाह हैं बोर्ड के, कोई खिलाफ नहीं है। तो ऐसे टैलेंट को अगर लेट करोगे ना तो वो हमेशा के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा, लास्ट टू क्वेश्चन राशिद भाई आपसे, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और PSL का कितना अब तक हमको फायदा हुआ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और दूसरा क्या हम इस टूर में हारिस सुहेल को मिस कर रहे हैं? हारिस को अच्छा प्लेयर है, हम मिस कर रहे हैं। लेकिन उस तरह का प्लेयर अगर कहते हैं तो फिर फवाद भी मौजूद था, खिलाया ही नहीं शायद, हारिस होता फिर भी नहीं खिलाते हमको। तो मेरे ख्याल से ये सवाल जो है ना, इसका मिसबा ही सही जवाब दे सके कि मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। बाकी डोमेस्टिक का ये है कि डोमेस्टिक हमारी चेंज हुई है, पर डिपार्टमेंट मिस कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट के प्लेयर हम मिस कर रहे हैं, और कम टीम्स हो गई हैं। बोर्ड कहता है ठीक है, हम कहते हैं नहीं, मजीद टीमें होनी चाहिए, सबको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। तो ये तो आग तो लगी रहती है क्रिटिक की और बोर्ड की आपस में। और लास्ट में राशिद भाई, आपके पूरे थ्रू आउट द क्रिकेटिंग कैरियर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आप स्पोर्ट्स 360 के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? या फनी बहुत सारे हैं, कुछ इतने सारे फनी हो जाते हैं बता नहीं सकते, वो ऐसे ही थोड़े से होते हैं। कोई ऐसा जो बताया जा सकता हो? ज्यादातर मुश्ती के ही होते थे। मुश्ताक अहमद अच्छा कैरेक्टर था, उसको हमने कहा कोई टेस्ट वेलिंगटन पता नहीं कहाँ टेस्ट मैच हो रहा था, तो ऐसे ही सो गया था, हम लोग बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त ये जमाना था कि हमारे जो प्लेयर थो भी जाते थे जल्दी जल्दी, प्लेयर आउट नहीं होते थे ना, उसकी च्युइंगम लगा दी यहाँ पे कहीं ना, यहाँ पे कोई तो मोटा सा च्युइंगम लगा दी। वो उठा तो फिर हमारी फील्डिंग आने वाली थी, अब उसने देखा यार ये क्या हो गया, तो उसको वहां से ना पूरे बाल काटने पड़ गए उसको निकालने के लिए। वो मुशी के बड़े केस थे। आज भी मेरी बात हुई है, वो कल के मैच के ऊपर काफी टीवी पे मेरी बात हुई, आज मेरे फोन पे भी बात हुई, तो वही पुरानी बातें याद करता है। तो बड़ा अच्छा टाइम मुशी के साथ, इंजमाम बातें विकी वसीम भाई, वो जमाना जो है ना वो डिफरेंट था। अदर महमूद, रजाक, सईद अनवर, आसिम मुश्तबा, कमाल लोग थे यार। राइट राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला स्पोर्ट्स 360 विद अहमद अहमद के साथ। आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में दावत देंगे जैसे जैसे आप फारिग हो, टाइम मिले तो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राशिद लतीफ एंड यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद अहमद। Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad.